इसके पहले के वीडियो में हमने ये कॉलर वाले ब्लाउज का पेपर पे कटिंग कैसे करते हैं वो देख लिया है, और आज के वीडियो में हम ये पेपर के ऊपर से इसको कपड़े पर कैसे कटिंग करना है वो देखेंगे। तो ये एकदम जो नया नया सीख रहे हैं उनके लिए ही है ज़्यादातर, तो बाकी जिनको आता है वो तो आराम से कर लेंगे कटिंग। तो ये इसका अस्तर है और ये इसका मेन कपड़ा है। तो सबसे पहले हम ये पेपर के ऊपर से अस्तर को कटिंग करेंगे, और अस्तर बहुत ज़्यादा है तो इसमें कम भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए पहले अस्तर हम कैसे कटिंग करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, हमने ये कपड़े को डबल बिछा के रखा है, तो इसमें यहाँ से पीछे का पार्ट, यहाँ से बेल्ट और यहाँ से स्लीव्स निकल जाएगी, बिना जॉइंट की जॉइंट नहीं आएगा, और यहाँ से आगे का पार्ट ये निकल जाएगा। लेकिन अगर देखिए, ये स्लीव्स है, इसकी चौड़ाई इसमें इस तरह रखते हैं तो भी इसका साइड में जॉइंट नहीं आ रहा है, ये कपड़े का पन्ना बड़ा है इसके लिए। तो ऐसे ही हम स्लीव्स कटिंग करेंगे, तो आगे का पार्ट चेंज कर देंगे। अगर आपको ऐसे काटने में ज़्यादा जॉइंट आ रहा है स्लीव में तो ही ऐसे कटिंग कीजिएगा, अगर स्लीव्स में जॉइंट नहीं आ रहा हो तो आप इस तरह रख के भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये आगे का पार्ट हम यहाँ पर रख देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको इस तरह से पहले कपड़े के ऊपर रख के हमें कटिंग कर लेना है, और इसमें कितना कपड़ा जा रहा है देखिए, इसमें 1 मीटर से थोड़ा कम जा रहा है, मतलब 1 मीटर कपड़ा होगा तो आपका ये मेजरमेंट का ब्लाउज बन जाएगा। और इसका पन्ना भी कपड़े का देख लीजिए, 39 का पन्ना है इसका, तो पन्ना भी बड़ा होना चाहिए तभी 1 मीटर में होगा, नहीं तो ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा। तो चलिए देखिए, ये रखा है, उसके ऊपर से हमें पेपर के ऊपर से कपड़ा कटिंग कर लेना है। और ये आगे का पार्ट कटिंग हो जाने के बाद कैंची से ऐसे पॉइंट लगा देना है, तो इसको क्या है कि नीचे इसमें ये हो जाएगा मार्किंग, तो इसके हिसाब से फिर हमें चौक से इसमें मार्किंग कर लेना है, जैसे इसमें हमने पेन से किया है वैसे चौक से ये कपड़े पर कर लेना है, दोनों साइड, इधर भी और दूसरी साइड भी। और लास्ट में स्लीव बची है तो स्लीव्स को कटिंग कर लेना है। तो स्लीव्स में जितना कपड़ा चाहिए उतना रखना है, बाकी का यहाँ से हम कटिंग कर देते हैं। और देखिए, पेपर पे जहाँ जहाँ पे मार्किंग हो हमारा मिडल का और मोड़ने का, फोल्ड करने का, वो सब इसमें भी कर लेना है। ये देखिए, ये इसका मेन कपड़ा है, अभी इसमें दोनों साइड बॉर्डर है, इसके लिए हमें इसको ऐसे ही फोल्ड करके कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि स्लीव्स में और पीछे की साइड दोनों साइड हमें इसमें बॉर्डर लानी है। तो देखिए, अस्तर कटिंग हो गया है हमारा। तो अस्तर को सबसे पहले तो एक साइड पीछे का पार्ट रखना है और एक साइड स्लीव्स रखनी है, क्योंकि ये बॉर्डर पीछे और स्लीव्स में दोनों जगह तो कंपलसरी आनी चाहिए। तो ये स्लीव्स में यहाँ थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो उसमें जॉइंट लगा देना है, दूसरे ये यहाँ से बॉर्डर का बचेगा उसमें से। और ये आगे का पार्ट है, उसको यहाँ पे रख के देख लेना है बराबर हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो दूसरी साइड रख के ज़रा देख लेना है कहाँ से बराबर हो रहा है, वो एक देख लेना है। और इसमें से हमें देखिए, यहाँ से बेल्ट निकालेंगे तो इतना कपड़ा बच रहा है, तो कॉलर करना है इसमें, तो कॉलर के लिए कपड़ा बचना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे रख के देख लेना है। तो 3-4 अलग अलग टाइप से हम इसको रख के, इसमें लाइनिंग भी है तो वो भी देखना है
ये लाइनिंग सीधी ही आनी चाहिए, नहीं तो हम इसको आगे के पार्ट को ऐसे भी रख सकते थे, लेकिन ये लाइनिंग इसमें आडी हो जाएगी, तो ये लाइनिंग का भी ध्यान रखना है। और कपड़ा बचना चाहिए कॉलर के लिए, फिर यहाँ जॉइंट लगाना है उसके लिए, ये सब ध्यान में रख के फिर कटिंग करना है। तो तीन चार अलग अलग टाइप रख के फिर हमें इसको कटिंग करना पड़ेगा। डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो बराबर ठीक होगा नहीं। तो देखिए ऐसे रखेंगे तो भी यहाँ से इतना कपड़ा बच रहा है, तो आई थिंक इसमें कॉलर थोड़ा ऐसे राउंड में कटेगा, तो ये सीधा कपड़ा बचेगा तो नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से पहले रखा था वैसे ही रख के देखते हैं। तो देखिए अभी तो हम इसी तरह कटिंग कर देते हैं, और अगर आपके ब्लाउज में ऐसे कॉलर का कपड़ा इसमें से तो बच रहा है हमारा, अगर आपके का ब्लाउज में नहीं बच रहा हो तो ब्लाउज में जो अल्टरनेट कलर हो, जैसे इसमें सिल्वर है गोल्डन है, तो वो कलर का आप कॉलर कर सकते हैं, या थोड़ा ऐसा प्रिंटेड दूसरा कपड़ा लेके भी उससे कॉलर बना सकते हैं, और इससे सिर्फ ब्लाउज बना देना है। तो अभी इसमें से ये जो हमने बिछा है उसके ऊपर से ये जो ऊपर का कपड़ा है इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा रख के कटिंग कर देना है, और फिर इसको क्या करना है कि फेविकोल से या तो स्टिचिंग सिलाई से मेन कपड़े के साथ अस्तर को जोड़ देना है। तो उसको कैसे जोड़ना है उसका मेरा वीडियो बना हुआ ही है, फेविकोल से भी और स्टिचिंग से भी कैसे जॉइंट करते हैं, वो दोनों का वीडियो है। तो अगर आपको पता नहीं हो, देखना हो, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा बड़ा कटिंग कर देना है, तो ये हो जाएगा पूरा ब्लाउज कटिंग। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये जो एकदम नए नए सीख रहे हों और उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो कि भाई ये कैसे करते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बनाए। अभी यहाँ से जो कपड़ा बच रहा है उसमें से हम स्लीव्स में जॉइंट लगा देंगे, और यहाँ से जो बच रहा है उसमें से हम कॉलर करेंगे कटिंग। तो कॉलर कैसे कटिंग करना है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉलर कैसे कटिंग करना है और ब्लाउज में कैसे लगाना है। तो ये जो जहाँ जहाँ से एक्स्ट्रा है कपड़ा उसको कटिंग करके ये एक पूरा ब्लाउज कटिंग हो गया देखिए, और ये इतना कपड़ा बचा है तो ये इतना कपड़े को हम कॉलर में यूज़ करेंगे। तो देखिए ये हो गया है, तो जैसे मैंने बताया अब ये कटिंग हो जाने के बाद इसको पेस्ट करना है, और उसके बाद थोड़ा स्टिचिंग करना है, उसके बाद कॉलर कटिंग होगा। तो वो कितना स्टिचिंग करना है और कॉलर कैसे कटिंग करना है कब करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।